हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रगीतास किचन। दोस्तों, लॉकडाउन है और हमें काफ़ी डिशेस की क्रेविंग होती है कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो उन्हें हम घर पर कैसे प्रिपेयर करें। तो इसी आपकी क्रेविंग को ध्यान में रखते हुए आज मैं बनाने जा रही हूँ लाजपत नगर दिल्ली स्पेशल मूंग दाल लड्डू, या आप इसे राम लड्डू भी कह सकते हैं। ये घर पर बनाना इतना आसान है कि आप मिनटों में इस डिश का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मूंग दाल बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 1 कप मूंग दाल, 1/4 कप चना दाल और 1/8 कप उड़द दाल। ये तीनों दालों को मिक्स कर 5 से 6 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए और भिगोने के बाद ये दालें फूल जाएंगी। अब हम इसके पानी को स्ट्रेन करके और इसे एक जार में ब्लेंड करते हैं। ये देखिए, मैंने दाल को स्ट्रेन कर लिया है और अब हम इसे एक ग्राइंडर में डालते हैं। इसमें हम पानी का यूज अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर हमें ज़रूरी लगेगा तो हल्का सा पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें, इसे भी डाल देते हैं। साथ में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है थोड़ा सा, इसे भी डाल देते हैं। इससे जो मूंग दाल लड्डू का फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आ जाएगा। साथ में मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी को भी मिक्स कर दिया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बारी अच्छी तरह ग्राइंड करते हैं। देखिए, हमारी दाल बढ़िया तरीके से पीसकर तैयार हो गई है और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। बस इसे मैंने 2 से 3 बार सिलिकॉन स्पैचुला से हिलाया है ताकि जो हमारी दाल है वो बढ़िया तरीके से पिस जाए। तो चलिए, इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, दाल हमारी कितनी बढ़िया तरीके से बीट हो गई है। अब हम इसे अच्छी तरह एक ही डायरेक्शन में स्टर करेंगे। ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो बहुत बढ़िया और सॉफ्ट बने। देखिए, दाल को हमने बढ़िया तरीके से बीट कर लिया है। अब हम इसमें पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डालेंगे या बेकिंग सोडा, बिल्कुल पिंच ऑफ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा ही डालना है। ये एक टिप है जिससे कि हमारे लड्डू बढ़िया और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए, राम लड्डू बनाते हैं। दोस्तों, घी भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है। मैं हाथ को थोड़ा सा गीला करूंगी और फिर ये जो हमने मूंग दाल का बैटर बनाया है इसमें, ये देखिए, इससे क्या होगा, हाथ में पानी लगाने से कि हमारे लड्डू हैं वो इजीली बन जाएंगे। और मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल अभी लो रखी हुई है क्योंकि ये ना हो कि ये ऊपर से तो पक जाए और अंदर से कच्चे रह जाएं। तो चलिए, इसे धीमी आंच पर ही भूनते हैं, फ्राई करते हैं।
मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे रख दिया है ताकि ये लड्डू अच्छी तरह से पक जाएं। इसे हमें 70% तक कुक करना है और जब हम इसे सर्व करेंगे तो हम इसे दोबारा डीप फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 70% तक कुक करके और एक प्लेट में निकाल कर रखते हैं। ये देखिए 70% तक मूंग दाल लड्डू कुक हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल के रखते हैं। ये देखिए, और ऐसे ही हम बाकी सारे भी लड्डुओं को डीप फ्राई कर लेते हैं। देखिए, हमने सारे लड्डुओं को 70% तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसे दोबारा फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमारे लड्डू बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। सबसे पहले मैंने ग्लासेस में मूली को कद्दूकस करके डाल दिया है। अब हम इसमें एक-एक इस लड्डू को रखते हैं और अब इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी पोर करते हैं। एक में हम गुड़ इमली वाली मीठी चटनी को पोर करते हैं। फिर हम हरी चटनी पोर करते हैं और ये देखिए देखिए मूंग दाल लड्डू बढ़िया तरीके से ही मिनटों में घर में बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए ये रेसिपी को देखिए और घर पर ही मूंग दाल लड्डू का मज़ा लीजिए।